स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स RBL में। जैसा कि हमने आपको जो है मंगल इंस्क्रिप्ट की जो सारी की है वो हमने बता दिया है कि कौन से अल्फाबेट से कौन सी की बनेगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम थोड़ा सा फास्टली आपको बता देते हैं यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए, और ये सारी वीडियोस हमारी जो है प्रोवाइड है। हम आपको डिस्क्रिप्शंस में इसका लिंक दे देंगे, अगर आपने अभी नहीं सीखा इसको तो आप आसानी से इसको सीख लीजिएगा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि कौन सी की से क्या बनता है, और कठिन शब्दों का उच्चारण यानी कि कैसे कठिन शब्दों को हम लिखते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें डॉक्टर कैसे लिखना है, और उसके बाद हमें पृथ्वी कैसे लिखना है, द्वारा कैसे लिखना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मंगल इंस्क्रिप्ट में बनने वाले जो है बनने वाले कठिन शब्द को हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है ग्वाला लिखना है। क्या लिखना है? ग्वाला लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ग लिखना होगा। इसका मतलब है कि पहले आई लिखना होगा, फिर आपको डी दबाना होगा, ठीक, फिर बी दबाना होगा, और फिर आपको ई दबाना होगा, और फिर आपको क्या दबाना होगा, एन दबाना होगा, और फिर आपको ई दबाना होगा, ठीक। अब इसको हम हिंदी में करके देखते हैं कि आपका ये सही आ रहा है कि नहीं। तो हिंदी में हम आपको करके दिखाते हैं। बिल्कुल सही, ये ग्वाला आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर आप कीबोर्ड से LDBENE अगर प्रेस करते हैं तो उससे क्या लिख जाएगा, ग्वाला लिख जाएगा। अब बच्चों का क्वेश्चन होता है कि द्वारा कैसे लिखा जाए, क्या द्वारा, तो द्वारा पहले हम आपको लिख देते हैं। देखिए द में हम क्या करते हैं, दा को आधा करते हैं, और फिर क्या करते हैं, हम लिख देते हैं वारा। इस तरीके से द्वारा होता, लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि इस तरीके से द्वारा लिखा जाता है लेकिन इस तरीके से द्वारा आपका नहीं लिखा जाता है। तो आप टेंशन ना लीजिए, आप सीधा वर्ड खोल लीजिएगा। क्या आप वर्ड खोल लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। ये वर्ड खोल, सॉरी, तो वही है वर्ड, वर्ड आपको वर्ड पैड खोल लेना है। क्या खोल लेना है? वर्ड पैड, यहाँ पे आपको दिख रहा है, वर्ड पैड खोल लेना है कंप्यूटर में। अब यहाँ पे आपको द्वारा लिख देना है, यहाँ पे थोड़ी सी हम साइज इंक्रीज कर लेते हैं। तो द्वारा देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, द्वारा हमने लिख दिया। अब ये द्वारा को हम कॉपी कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, और इसको जब यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए इस तरीके से आ रहा है। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम, आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, ये देखिए, तो ये देखिए इस तरीके से आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों द्वारा सही होते हैं। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि द्वारा में आधा क्या होता है, आधा व नहीं होता है, नहीं तो व द्वारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व द्वारा। आप उच्चारण करके देखिए, द्वारा इसका मतलब आधा, द्वा द जो होता है आपका इस तरीके से लिखा जाता है, इसलिए ये आपका दोनों क्या है, दोनों राइट है। इसलिए क्या है, दोनों आपके सही हैं, दोनों में आपके सही हैं। आप ये नहीं कहिएगा कि ये सही है या फिर ये सही, दोनों आपके क्या है, सही है। चलिए आगे चलते हैं। तो आप द्वारा, हाँ द्वारा आप कैसे लिखेंगे, अब ये भी आप इंग्लिश में देख लीजिए, द्वारा कैसे लिखेंगे, है ना। तो द्वारा में आप पहले क्या लिखेंगे, पहले आप ओ दबाएंगे, फिर आप डी दबाएंगे, थोड़ा सा साइज इसकी हम बढ़ा लेते हैं, और ये हो जाएगा, फिर वा लिखेंगे और द्वारा लिखेंगे। इस तरीके से आप द्वारा लिख सकते हैं, जे आर, ठीक, इस तरीके से द्वारा। देखिए यहाँ पे द्वारा इस तरीके से लिख गया, क्यों लिख गया, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्या है, फॉन्ट चेंज हो गई, यहाँ पे क्या है, फॉन्ट चेंज हो गई। जब जैसे मंगल कर लेंगे तो फिर हमारा द्वारा इस तरीके से लिखेगा, है ना। तो अगर आप इस पे द्वारा इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ से आप साइज को जो है इस, सॉरी, फॉन्ट के फेस को आप चेंज कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, ये फॉन्ट फेस कर लीजिएगा, ठीक, ये वाला, ये फॉन्ट फेस कर लीजिएगा। आप देखिएगा यहाँ पे फॉन्ट फेस मिल जाएगा आपको, आसानी से आप इसको द्वारा इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है आपको द्वारा दोनों में लिखने में, ठीक। दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हम राज्य कैसे लिखें, क्या लिखें, राज्य कैसे लिखें। तो राज्य आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, इस तरीके से। अब राज्य लिखेंगे कैसे, अब कीबोर्ड में हम क्या करेंगे, तो कीबोर्ड में हम क्या दबाएंगे, देखिए पहले रा के लिए हम क्या दबाते हैं, जे दबाते हैं, फिर उसके बाद हम आ की मात्रा ई से लगाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं,
उसके बाद हम पी दबाते हैं, ठीक, और पी को आधा करने के लिए हम डी दबाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस मार्क लगाते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, राज्य हो गया, क्या हो गया, राज्य हो गया। आगे देखते हैं, तो आगे हमें क्या लिखना है, जैसे हमें लिखना है योद्धा लिखना है, क्या लिखना है, योद्धा। तो हम पहले योद्धा लिख के दिखा देते हैं, योद्धा कैसे लिखा जाएगा, योद्धा इस तरीके से योद्धा लिखा जाएगा, है ना। आप कहेंगे ये भी योद्धा गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, ये ही योद्धा सही है। अब देखिए कैसे योद्धा सही है, क्योंकि इसको हम कर देते हैं यहाँ से, इसकी वो चेंज कर देते हैं, ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये देखिए योद्धा यहाँ पे आपका हो गया ना सही। तो योद्धा आपका ये ही सही होता है, योद्धा कैसे सही होता है, ये ही सही होता है। अब देखिएगा आप योद्धा लिखेंगे कैसे, तो क्या टाइप करना है जिससे आपका योद्धा लिख जाए। तो योद्धा हमारा क्या होता है कि हम प्रेस करते हैं क्वेश्चन मार्क, राइट, हाँ क्वेश्चन मार्क या फिर स्लैश इसको बोलते हैं, उसके बाद हम ओ की मात्रा लगाते हैं यानी कि ए लिखते हैं, उसके बाद हम ओ दबाते हैं हेलन्थ लगाते हैं, और इसके बाद शिफ्ट के साथ, हम शिफ्ट के साथ फिर क्या लिखते हैं, आप देख सकते हैं कि पी लिखते, ओ लिखते हैं, ठीक, और उसके बाद हम ई दबा देते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, इसको हम ओ को हम शिफ्ट के साथ दबाते हैं, किसके साथ, शिफ्ट के साथ दबाते हैं, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, योद्धा बन जाएगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, योद्धा, कोई कोई चीज़ें गलत ना होने पाए, योद्धा, ठीक। तो हम क्वेश्चन मार्क यानी कि स्लैश, फिर उसके बाद आधा आधा करते हैं, और फिर पा दबा, बिल्कुल सही, आपका योद्धा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किससे क्या बनेगा। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हम विद्यालय वाला द कैसे बनाएं, विद्यालय वाला द कैसे बनाएं। तो विद्यालय वाला द बनाने के लिए आपको क्या करना है, द करना है और प्लस करना है, फिर आपको डी करना है यानी कि आधा द करना है, और प्लस करना है या कर देना, ये इससे क्या बन जाएगा, इसके बराबर बनेगा आपका विद्यालय वाला द, विद्यालय वाला द आपका जो बनेगा वो आपका इसी से बनेगा। देखिएगा अब फिर से हम दिखा देते हैं, जैसे आपको विद्या लिखना है, विद्यालय लिखना है, विद्यार्थी लिखना है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, पहले हम टाइप करेंगे वी, उसके बाद द को आधा करेंगे और या, ठीक। तो ये क्या हो गया, विद्या हो गया, क्या, विद्या हो गया, क्या हो गया, विद्या हो गया। अगर आपको देखना है तो आपको फिर से इसको यहाँ पे करना है, और इसके बाद आप यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, देखिए विद्या हो गया, क्या हो गया, विद्या हो गया। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो यहाँ पे जाके आप लैंग्वेज चेंज कर लीजिएगा, इसका फॉन्ट जो है अलग कर लीजिएगा, आप यहाँ पे आपकी समस्या जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। अब योद्धा हो गया, विद्यालय यानी कि आप विद्यालय आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, आप ये कर दीजिएगा, विद्यालय हो गया, विद्यार्थी लिखना चाहें विद्यार्थी आप भी लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों का क्वेश्चंस है कि जैसे आपको त्वरित लिखना है, ठीक, या फिर इंडिया लिखना है, इंडिया कैसे लिखेंगे, है ना, इंडिया तो लिखना आना चाहिए। जैसे हम, हमने शिफ्ट के साथ क्या दबा दिया, शिफ्ट के साथ एफ दबा दिया, देखिए अब यहाँ पे हम बोलेंगे, आप सुनिएगा, शिफ्ट के साथ हमने ई दबा दिया, उसके बाद हम यहाँ पे दबाएंगे सी दबाएं, सॉरी शिफ्ट के साथ हम सी दबाएंगे, क्या दबाएंगे, शिफ्ट के साथ सी दबाएंगे, उसके बाद हम डी दबाएंगे, फिर हम ब्रैकेट दबाएंगे, कौन सा ब्रैकेट, क्लोज वाला ब्रैकेट, बड़ा वाला, और उसके बाद हम एफ दबाएंगे और क्वेश्चन मार्क वाला दबाएंगे, और हम फिर इसके बाद ई दबाएंगे। तो इससे हो जाएगा आपका इंडिया, इससे क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो आगे हम, हमको लिखना है मूर्ति लिखना, क्या लिखना, मूर्ति, तो मूर्ति के लिए हम लिखेंगे सी, क्या लिखेंगे, सी, और फिर लिखेंगे टी, उसके बाद हम लिखेंगे जे, फिर डी, उसके बाद हम एल लिखेंगे, और उसके बाद आर लिखेंगे, हो जाएगा मूर्ति, क्या हो जाएगा हमारा, मूर्ति हो जाएगा। उसके बाद हमें लिखना है कीर्ति, क्या लिखना है, कीर्ति लिखना है, तो जे ई, जे के बाद हम आर दबाएंगे, देखिएगा ध्यान से, जे के बाद हम आर दबाएंगे, उसके बाद हम एल दबाएंगे, एक मिनट, कीर्ति है ना, हाँ, तो रा पहले हम उड़ाएंगे ना, तो रा उड़ाने के लिए हम जे करेंगे और जे को आधा करेंगे, इसका मतलब डी दबाएंगे, जे डी दबाएंगे, फिर उसके बाद हम एल दबाएंगे और उसके बाद हम एफ दबाएंगे, ये हो जाएगा कीर्ति, हो जाएगा क्या, हो जाएगा कीर्ति, हो जाएगा। अब आगे हम चलते हैं, अगर हमको लिखना है, क्या लिखना है, ब्रज, ब्रजेश लिखना है, क्या लिखना है, ब्रजेश लिखना है, तो बी के लिए हम वाई दबाएंगे, उसके बाद हम प्लस का सिंबल दबाएंगे, तो ये हमारा जो है नीचे वाला रा लग जाएगा,
उसके बाद हम पी दबाएंगे, उसके बाद एस दबाएंगे और शिफ्ट के साथ हम एम दबा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रिजेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रिजेश हो जाएगा। जैसे स्वतः लिखना है आपको, जैसे स्वतः लिखना है तब आपको कन्फ्यूजन होती है स्वतः कैसे लिखा जाए, तो पहले आपको एम दबाना है, पहले आपको एम दबाना है, उसके बाद आपको डी दबाना है, उसके बाद आपको बी दबाना है, बी दबाने के बाद एल दबाने हैं, एल दबाने के बाद आपको शिफ्ट के साथ जो प्लस के बगल में माइनस वाला है उसको प्रेस कर देना है, आपका स्वतः लिख जाएगा, स्वतः लिख जाएगा। आगे चलते हैं, अगर आपको लिखना है त्रिशूल लिखना है, क्या लिखना है, त्रिशूल लिखना है, तो आपको शिफ्ट के साथ क्या दबाना है, सिक्स दबाना है और सिक्स ऊपर वाली की को दबाना है, ना कि नंबर पैड का यूज करना है। त्रिशूल लिखना है तो त्रि हमने लिख दिया, उसके बाद ई की मात्रा लगा देना है, फिर उसके बाद आपको शूल लिखना है तो शिफ्ट के साथ आपको एम दबा देना है और टी दबाने देना है, उसके बाद एन दबा देना है, हो जाएगा आपका क्या, त्रिशूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिशूल हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगर आपको राष्ट्र लिखना है, क्या लिखना है, राष्ट्र लिखना है, तो राष्ट्र को हम बता देंगे कि इसमें कौन कौन से शब्द का यूज करेंगे, तो पहले राष्ट्र हम आपको लिख के दिखा देते हैं, राष्ट्र कैसे लिखे जाएगा, इस तरीके से राष्ट्र लिखा जाएगा। अब राष्ट्र के लिए हमें कौन कौन से जो है अल्फाबेट यूज करने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो पहले हमने लिख दिया जे और ठीक, उसके बाद हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे एम, शिफ्ट के साथ क्या दबाएंगे, एम दबाएंगे, एक मिनट। फिर से देखिएगा, जे उसके बाद शिफ्ट के साथ हम कॉमा दबाएंगे, जे उसके बाद ई शिफ्ट के साथ हम कॉमा वाला दबाएंगे, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, उसके बाद हम डी दबाएंगे, फिर डी के बाद हम दबाएंगे क्या, टा के लिए हम दबाएंगे कॉमा वाला जो ऊपर वाला इन्वर्टेड कॉमा होता है, और उसके बाद हम शिफ्ट के साथ क्या दबा देंगे, हम थ्री दबा देंगे, शिफ्ट के साथ क्या दबा देंगे, थ्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, इससे हमारा क्या बन जाएगा, राष्ट्र बन जाएगा। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, जे दबा दिया हमने, जे दबा दिया और ई दबा दिया, शिफ्ट के साथ हमने ग्रेटर देन दबा दिया, डी दबा दिया, इन्वर्टेड कामा हमने दबा दिया और हमने हैज दबा दिया, तो राष्ट्र हमारा क्या हो गया, लिख गया। अगर आप इस तरीके से करेंगे, हाँ जहाँ पे हम शिफ्ट बोल रहे हैं वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि शिफ्ट का यूज़ ज़रूर करना है, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। अब जिसे आपको लिखना है ड्रम लिखना है, क्या लिखना है, ड्रम, तो ड्रम आप लिख सकते हैं। देखिए जब आप सीख जाएंगे ना तो आपको ये पता नहीं चलेगा किससे क्या बनेगा, आप बिल्कुल देख रहे होंगे, लेकिन आप बिल्कुल टाइप कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे सब कुछ ए टू जेड टाइप कर देते हैं, बस ये थोड़ा सा जब अल्फाबेट आ जाते हैं तो बताने में थोड़ा सा हम देखते हैं कि कौन सी की से क्या बनेगी, बाकी कुछ भी अगर हमको लिखना हो तो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम आपको बता देते हैं, जैसे हमको गाइड लाइन के ऊपर वाली पंक्ति, देखिए पंक्ति इस तरीके से, ठीक, तो ये जब अब आपका अभ्यास हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, तो कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली है, ठीक। शिफ्ट, जैसे शिफ्ट लिखना है, शिफ्ट हो गया, ठीक। लॉक लिखना है, ठीक, हाँ जैसे लॉक आ गया ना, देखिए लॉक आ गया या कॉफ़ी आ गया, तो कैसे इसको लिखेंगे, जैसे कॉफ़ी आ गया, ठीक, कॉफ़ी, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं लिख, कॉफ़ी इस तरीके से लिख देंगे या कॉपी लिख देंगे, है ना, इस तरीके से, तो ये आपका गलत माना जाएगा। कैसे लिखेंगे, तो पहले हम कॉफ़ी लिखना है तो का दबा दिया, उसके बाद आपको क्या दबाना है, तो जो बैक स्पेस के नीचे या बैक स्पेस के बगल में जो एक सीधी लाइन वाली होती है उसको दबा देना है, और उसके बाद शिफ्ट के साथ आपको एच दबा देना है और ई की मात्रा लगा देना, कॉफ़ी बन जाएगा। अब देखिए कॉफ़ी कैसे लिखेंगे, हम आपको यहाँ से बता देते हैं इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो आप लिखना है, आपको लिखना पहले के, ठीक, उसके बाद आपको ये वाला स्लैश दबा देना है, ठीक, ये वाला स्लैश अलग होता है, क्वेश्चन मार्क वाला अलग होता है, आप देखिएगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद शिफ्ट के साथ आपको एच दबा देना है और फिर आपको आर दबा देना है, इससे क्या लिख जाएगा आपका, कॉफ़ी लिख जाएगा, इससे क्या लिख जाएगा आपका, कॉफ़ी जो है वो राइट हो जाएगा।
और भी बहुत सारे वर्ड हैं जिनके बारे में आपको सीखना होगा। और भी हम देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड हैं, उसके बारे में आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। हाँ, अब जैसे सभ्य लिखना है, आप लोग सभ्य हैं तो सभ्य कैसे लिखेंगे, तो देखिए सभ्य कैसे लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, सभ्य लिखने के पहले हम आपको सभ्य बता देते हैं कैसे लिखेंगे। ये सभ्य होगा। अब देखिए किसी भी अगर आपको शब्द का आधा करना है तो हमें करना क्या होता है, डी करना होता है। पार्टिकुलर आपका जो मंगल इनस्क्रिप्ट होता है, इसमें कोई पार्टिकुलर शब्द जो होता है वो आधा नहीं होता है, उसको आधा बनाना पड़ता है। लेकिन कुर्तिदेव में ऑलरेडी वो आधे होते हैं, ऑलरेडी वो क्या होते हैं, आधे होते हैं। लेकिन सबसे आसान जो टाइपिंग होती है वो मंगल होती है, सबसे आसान क्या होती है, मंगल होती है। अब देखिएगा सब सभ्य हम कैसे लिखेंगे, इंग्लिश हमने कर दिया, इंग्लिश कर दिया, तो हमने पहले सा लिखा, सा का मतलब एम, ठीक। उसके बाद शिफ्ट के साथ हमने वाई दबा दिया, उसके बाद डी दबा दिया और हमने या लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, सभ्य हो गया। क्या हो गया, सभ्य हो गया। अगर हमें सिक्का लिखना है, क्या लिखना है, सिक्का, तो सिक्का आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, सिक्का, ठीक। सिक्का किस तरीके से लिखा जाएगा, अब इसको भी देख लेते हैं सिक्का किस तरीके से लिखा जाएगा। तो शिफ्ट के साथ हम क्या दबाते हैं, हाँ पहले हम इसको लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। हाँ, अगर आपको लैंग्वेज चेंज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप शिफ्ट प्लस अल्ट का यूज़ करेंगे, जिसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्लिक नहीं करेंगे लेकिन फिर भी हम शॉर्टकट से लैंग्वेज चेंज करेंगे। देखिएगा हम माउस इसीलिए यहाँ पे कर देते हैं, आप ये हमारा माउस देखिएगा, यहाँ पे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, हम माउस से क्लिक नहीं करेंगे फिर भी हमारी देखिए लैंग्वेज चेंज हो रही है, हो रही है चेंज, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, ठीक। तो देखिए हमारी शॉर्टकट से हो रही है, ये किससे हो रही है, शॉर्टकट से। और इसका शॉर्टकट की क्या है, यहाँ पे सीख लीजिए, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट और प्लस आपका अल्ट, ठीक। अगर शिफ्ट प्लस अल्ट दबाते हैं, शिफ्ट प्लस अल्ट दबाते हैं तो आपकी हिंदी और इंग्लिश जो है लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, ठीक। अब आगे सिक्का हो गया, सिक्का, हाँ सिक्का देखना कैसे बनाते हैं सिक्का, ठीक, कैसे लिखते हैं सिक्का। तो पहले हमने ये लिख दिया, सा लिख दिया, ई की मात्रा लगा दिया, के लिख दिया, हलंत लिख दिया, फिर के लिख दिया, ई लिख दिया, ये हमारा क्या हो गया, सिक्का हो गया। फिर पृथ्वी जैसे हमने बता दिया था, और उसके बाद मरुस्थल बता दिया है ना, मरुस्थल बता दिया, रुपया बता दें, ठीक। तो मरुस्थल, मरुस्थल है ना, मरुस्थल, मरुस्थल, ठीक। मरुस्थल कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको करना है एम लिखना है, एम का मतलब एम कहाँ से प्रेस होगा, एम आपका होगा सी से, थोड़ा सा यहाँ से इसको हम क्लोज कर दें, सी से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एम हो गया, यानी कि एम हो गया, फिर हम जे प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद छोटे ओ की मात्रा लगा देंगे, फिर आप क्या करेंगे, एम दबाएंगे, फिर डी दबाएंगे, शिफ्ट के साथ आप एल दबाएंगे और उसके बाद आप एन दबा देंगे, हो जाएगा मरुस्थल, हो जाएगा क्या, हो जाएगा मरुस्थल, हो जाएगा। अगर आपको कोई भी जो है शब्द बनाने में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप उसका बताइएगा, उसकी वीडियो हम यहाँ पे आसानी से बता देंगे। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी ऊपर वाली जो है ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारे वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, उसके बाद आप आसानी से सारे वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन है कि इंडिया कैसे लिखेंगे, स्वतः कैसे लिखेंगे, आप देख सकते हैं हमने जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। अगर आपको फिर भी लगता है, हाँ अभी आपको हम ये बताएंगे कि जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं ओम कैसे लिखेंगे, तो ओम देखिए एक तो तरीका होता है, ओम ऐसे लिख लीजिए आप, पहले तो आप ऐसे लिख लीजिए, ओ बना लीजिए, पहले ओ बना लीजिए, बड़ा ओ बना लीजिए, ठीक। और उसके बाद आप क्या लगा दीजिए, इसमें शिफ्ट के साथ क्या लगा दीजिएगा, शिफ्ट के साथ एक्स दबा दीजिएगा तो ओम बन गया। लेकिन अगर इसको शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो शॉर्टकट में इसकी शॉर्टकट की होती है, इसकी शॉर्टकट जी होती है 23-84 होती है, इसकी क्या होती है 23-84 ना, दोनों ओम में क्या है अंतर है, ठीक। आप देख रहे हैं कि ये वाला ओम जो है आपका अलग लग रहा है और ये वाला आपका अलग रहा अलग अलग लग रहा है ना, तो ये दोनों आपके क्या हैं, अलग लग रहे हैं। हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी शब्द बनाने में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।